और आपको भी जिम दिखाता हूँ, ऊपर से बहुत ज्यादा सेक्सी है, कम ऑन। जिम से आने के बाद मैं हमेशा ये बनाता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है फुल डे ऑफ ईटिंग के ऊपर। मुझे इस चीज के इतने ज्यादा कमेंट और मैसेजेस आते हैं कि मुझे अपने पूरे दिन की डाइट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, बट जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं उनको पता नहीं लग पाता, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पूरे दिन की जो मेरी डाइट होगी वो बजट फ्रेंडली होगी, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है आराम से। वीडियो को लास्ट तक देखना, जिम भी चलेंगे वर्कआउट करने। सबसे पहली चीज, जब मैं सो के उठता हूँ तो 1 लीटर पानी पीता हूँ, क्योंकि जब आप रात को 7-8 घंटे की नींद लेके उठते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को करो वॉश आउट। सुबह उठते ही आप नारियल पानी भी पी सकते हो, कभी कभी मैं नारियल पानी पीता हूँ जब होता है, कभी कभी सिर्फ पानी पीता हूँ, और ये चीज मैं पिछले 2 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। उसके बाद करता हूँ ब्रश, फिर उसके बाद आता हूँ अपने ब्रेकफास्ट मील पे। हमेशा याद रखना, ब्रेकफास्ट मील आपकी सबसे हैवी होनी चाहिए, क्योंकि आप 7-8 घंटे के बाद सो के उठे हो तो आपका पेट बिल्कुल खाली है, मतलब आपकी बॉडी फास्टिंग पे थी रात को, आपको अच्छे से भरनी है सुबह उठ के कार्ब्स और प्रोटीन से। सो मेरी आज की पहली मील क्या रहेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे जस्ट सामने पड़ी है और मुझे काफी ज्यादा भी लग रही है भूख, क्योंकि मम्मी ने बना दिया था और रख दिया था, और मैं अभी इंट्रो शूट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मेरी पूरे दिन की सबसे पहली मील ये रहेगी, 3 ब्राउन ब्रेड जो कार्ब्स की नीड पूरी करेंगे, 4 अंडे का आमलेट प्रोटीन की नीड पूरी करेंगे, और साथ में स्प्राउट। ये स्प्राउट मैंने घर पे आके बनाए हैं, और सॉस आपकी मर्जी, अगर आपको ऐड करनी है तो कर सकते हो। तो इसको फटाफट खा लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। और गाइस, अगर आपने अपने सप्लीमेंट स्टैक के अंदर प्रोटीन ऐड करा हुआ तो आप सुबह उठ के प्रोटीन ले सकते हो इस मील के साथ। हमें प्रोटीन को हमेशा हाई रखना है अगर आपको अच्छा मसल साइज गेन करना है तो। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने मूसली के बारे में बताया था, काफी लोगों को उस चीज के बारे में नहीं पता था, और वो उसका बॉक्स भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, अभी मैंने भी बंद कर रखा है वो। इसलिए आज हम अपनी पहली मील ब्रेड ऑमलेट और स्प्राउट्स के साथ शुरू कर रहे हैं, और साथ में एक सूप प्रोटीन। सो गाइस, मेरी पहली मील कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों की ये मील 10 या 11:30 या 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 से आधे घंटे का टाइम देना है डाइजेस्ट होने के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट मील के बारे में। ओके सो गाइस, जो मेरी सेकंड मील होती है वो होती है 1 बजे के करीब, घर की दाल रोटी और साथ में सलाद। सलाद में आप टमाटर और खीरे ऐड कर सकते हो, और साथ में 2 रोटी और शिमला मिर्च की सब्जी, इसके अंदर आलू भी है, बढ़िया रहेगा ये कार्ब्स के लिए। अगर घर में सब्जी ना बनी हो तो आप व्हाइट राइस और दाल भी ले सकते हो, व्हाइट राइस कार्ब्स के लिए बहुत ही बेस्ट सोर्स है। तो इस चीज को मैं फटाफट खा लेता हूँ, फिर इसके बाद हम अपनी थर्ड मील के बारे में बात करेंगे। और गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं एक और टॉपिक को कंप्लीट करूंगा कि एक अच्छे प्रोटीन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी जरूरी है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, और आप ये कैसे चेक कर सकते हैं जो आपने प्रोटीन परचेज किया है वो ऑथेंटिक है या नहीं, और अपने प्रोटीन की ऑथेंटिसिटी चेक करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नो मैटर आपकी डाइट जितनी भी अच्छी हो, पर वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाती है। सो गाइस, मिल्क, एग्स, मीट एंड फ्रूट एंड नट्स, ये तो प्रोटीन का रिच सोर्स है ही, बट ये हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं बॉडी बिल्डिंग में, और बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं सप्लीमेंट्स, इसीलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डिंग में। प्रोटीन आपकी बॉडी को एडिड न्यूट्रिशन देके मसल ग्रोथ, वेट मैनेजमेंट और पोस्ट वर्कआउट मसल रिकवरी में हेल्प करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। आपको मार्केट में काफी सारे प्रोटीन अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि केसिन प्रोटीन, वे प्रोटीन और भी बहुत सारे। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, मेरी काफी सारी वीडियोस में देखा होगा दैट आई प्रेफर ओनली वे प्रोटीन। इसके 2 बड़े रीजंस हैं। वे प्रोटीन माइक्रोफिल्ट्रेशन प्रोसेस से बनता है, जिससे कि इसके काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। और गाइस, दूसरा, वे प्रोटीन के अंदर वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इसीलिए वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है। अपने वर्कआउट के बाद अपने कोई भी फेवरेट शेक के अंदर उसको ऐड करके कंज्यूम कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट। सो गाइस, अब बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में। प्रोटीन में काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कि मसल ब्लेज, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ऑलमैक्स और भी बहुत सारे हैं। बट गाइस, मेरा फेवरेट है मोस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट, एनी गेसेस, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 100% गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन। तो गाइस, अब बात करते हैं ऑथेंटिसिटी के बारे में। जब आप अपनी बॉडी का इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हो, सप्लीमेंट से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। और गाइस, ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि जो चीज आप कंज्यूम करने वाले हो इन फ्यूचर वो ऑथेंटिक हो और उसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट हो। इसीलिए प्रोटीन यूज करने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। इसलिए यूज करने से पहले ऑन प्रोडक्ट टब पर दिए गए ट्रू सील स्टिकर को स्क्रैच करके दिए गए यूनिक कोड को www.authenticate.in पर वेरीफाई करके या ऑन कोड को 57575 पर SMS करके चेक कर लेना, एंड ब्रावो, अपने प्रोटीन को वेरीफाई करके एंजॉय करें। ओके सो गाइस, अब आते हैं मेरी थर्ड मील के ऊपर, जो मैं जिम से आधे घंटे पहले ले लेता हूँ, 5 एग्स और साथ में 1 बनाना। ऐसे ये अभी 3 एग्स है
दो मेरे खराब हो गए क्योंकि मैं जब छिल रहा था तब खराब हो गए, और कल से नवरात्र है इसलिए मेरी ट्रे भी पूरी खत्म हो चुकी है एग्स की, तो अभी और लानी भी नहीं है। तो फटाफट इसको खा लेते हैं फिर जिम में वर्कआउट करने चलते हैं। ऑलराइट सो गाइस, अभी हम जिम आ चुके हैं एक बढ़िया सा वर्कआउट करने के लिए। सो आज मैं ट्रेंड करूंगा बैक, साथ में देख लूंगा अगर मेरा कुछ दिल करा लगाने का तो उसको साथ में लगा लूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेडलिफ्ट से। डेडलिफ्ट में वेट ज्यादा लेंगे और मैं अपना बैग भी ऊपर छोड़ रहा हूँ अभी, और आपको भी जिम दिखाता हूँ ऊपर से बहुत ज्यादा सेक्सी है। कम ऑन, जिम से आने के बाद मैं हमेशा ये बनाता हूँ, बनाना किशमिश, एक स्कूप प्रोटीन, थोड़ा सा दूध और ओट्स। मेरे खत्म हो गए, मैं इससे ज्यादा लेता हूँ हमेशा, बट अभी थोड़े खत्म हो गया। सो फटाफट से इसको बना लेते क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख, आधे घंटे के लिए मेरे लिए बहुत होगा। अब बारी आती है मेरे डिनर की, तो डिनर के अंदर मेरे सामने है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिनर में मैं क्या क्या लेता हूँ। राइस, ये है पनीर क्योंकि चिकन खत्म हो गया था घर पे, वरना आप चिकन भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। पनीर, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मैं सुबह शाम जब मर्जी मेरा दिल करता है कोई भी मील के साथ मैं लेता हूँ। सैलेड में खीरा, और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको ऐड करना है तो कर लो, दही है ये रायते वाला। सो अभी मैं पूरा खा लेता हूँ फिर हम बात करते हैं। ओके सो आपने जैसे कि देखा कि मैंने क्या क्या खाया डिनर के अंदर, और पूरे दिन की डाइट आपने इस वीडियो के अंदर देख ही ली होगी। तो इस पूरे डाइट चार्ट को आप 1 से 2 महीना फॉलो करके देखो, आपको अपने आप रिजल्ट दिख जाएंगे। सो ये थी मेरी आज की पूरी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जल्दी बताओ। एंड मोर अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाओ वहां पे भी फॉलो कर लो। सो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।